इलियाना डिकलुजा से बनी देश की सबसे बड़ी सनसनी कपिल शर्मा के अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। एक समय था जब वो टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक हिट थे, सुपरस्टार्स की जमात में शामिल थे, लेकिन सेहत बिगड़ी और शो गया तो अब तक संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल मोस्ट सेंसेशनल सेलिब्रिटी थे, लेकिन इस बार इलियाना डिकलुजा ने उन्हें हरा दिया है। दरअसल मैक्फी मोस्ट सेंसेशनल सेलिब्रिटी सर्वे के 12वें एडिशन का ऐलान किया गया है, जिसमें इलियाना डिकलुजा नंबर 1 पर है। पिछली बार ये जगह कपिल शर्मा के नाम थी। आपको बता दें कि ये सर्वे उन लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है जिनके नामों को हैकर्स इसलिए इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग बदनाम या गलत कारणों के लिए बनाई गई वेबसाइट्स की तरफ आकर्षित हो सकें। हैकर्स की तरफ से इस बार जिस नाम का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया वो ग्लैमर गर्ल इलियाना रही। उनके बाद प्रियंका चोपड़ा दूसरे और दीपिका पादुकोण तीसरे नंबर पर रही। इस लिस्ट में प्रीति जिंटा, तबू, कृति सनोन, अक्षय कुमार, ऋषि कपूर, परिणीति चोपड़ा और गोविंदा का नाम भी शामिल है। मैकफी के 11वें संस्करण में सलमान खान नंबर 2 और आमिर खान नंबर 3 भी थे और प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोन, कंगना रनौत, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और टाइगर श्रॉफ के नाम भी शामिल रहा। दरअसल होता क्या है कि इंटरनेट के इस बूम दौर में फैंस अपने स्टार के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित है या नहीं। इसी कारण हैकर्स फायदा उठाते हैं और नेटिजंस के लिए कुछ ऐसे लिंक्स भेजते हैं जिसके जाल में फंसकर लोग उन साइट्स पर सर्फिंग शुरू कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर बाद में लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल से डेटा चुरा लिया जाता है और लाखों की चपत भी लग जाती है। मैकफी ने बताया कि सेलिब्रिटी संस्कृति के जरिए साइबर अपराधी लगातार इंटरनेट उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा इंटरनेट यूजरों को मेलिशियस वेबसाइट्स पर विजिट कराने की होती है। साइबर अपराधी मेलिशियस वेबसाइट्स का इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि वे मैलवेयर को इंस्टॉल कर इंटरनेट यूजरों की निजी सूचनाएं और यहां तक कि पासवर्ड भी चुरा सकें।